जी सर। 200 रुपये। इस बंदे का भरोसा मत करना। सो गाइस इट्स 1:30 इन द नाइट और अभी मैं फ्यूल डला के निकला हूँ, मतलब टैंक फुल करा लिया है। कल सुबह निकलना है मुझे 5 बजे। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। फिलहाल तो जाकर सोना है, 3-4 घंटे की नींद मिल जाए बहुत है। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, बाय। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग मोटर व्लॉग ऑन एक्टिवा 125 और आई एम जस्ट गेटिंग आउट माई होम एंड इट्स ऑलरेडी 6:10 इन द मॉर्निंग एंड आई एम टू लेट। अच्छा ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी मैं लेट हो गया हूँ, 6:10 हो गए और मुझे 6:30 बजे तक पहुँचना था, तो अभी जल्दी से मैं पहुँचता हूँ फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है, बाय। सो गाइस अभी मैंने जस्ट कोतवाली क्रॉस कराया और सामने का जो व्यू है ना वो आप देख सकते हो, क्या धुंध सी हो गई है और ऐसे बिल्कुल ड्रामेटिक वेदर लग रहा है हॉलीवुड मूवी वाला, मेरे को तो बिल्कुल वही फील आ रही है। और इधर सनराइज़ अच्छा वाला हो चुका है, बहुत ही अच्छा वाला। तो अभी मुझे पता नहीं स्कूटी का व्यू कैसा आ रहा होगा, बट होप सो अच्छा आ रहा हो। और भाई क्या व्यू है इस टाइम, बिल्कुल हॉलीवुड वाली वाइब आ रही है ना, मुझे कसम से बता रहा हूँ, बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी वाली वाइब ली है मैंने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कहीं गया ही नहीं था इतना लंबा। और अभी जा रहा हूँ मैं आपकी भाभी को लेने, देन उन्हें लेना है, फिर आएगा मज़ा। तो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नजाबाद क्रॉस करके थोड़ा सा आगे और अब हम जा रहे हैं देहरादून। फाइनली गाइस द हाईवे इज हियर एंड अब देखते हैं रोड कैसी मिलेगी हमें। वैसे तो अच्छी मिलने वाली है क्योंकि न्यू रोड बनी है बिल्कुल, मैं बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ उस रोड पे, वरना मेरा बिल्कुल भी आना नहीं हो रहा था और अब तो आना ही था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और स्कूटी ने भी मज़े बांध रखे हैं भाई साहब, ओहो 4 लेन, अब आएगा मज़ा। गाइस इस रोड को देखने के लिए तरस गया था मैं, क्योंकि वो छोटी रोड पे ना झटके गड्ढे कूदती रहती है स्कूटी, और जब आप अकेले लड़कों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अनकम्फर्टेबल वहाँ होता है जब आप अपनी वाइफ के साथ हो। सो लेट्स सी। तो गाइस फाइनली जिस जर्नी का हमें बहुत, यहाँ नॉइज आ रही होगी जरा दो, तो जिस जर्नी का हमें बहुत ज़्यादा टाइम से वेट था वो हमारी शुरू हो चुकी है फाइनली। और आज जो है हम स्कूटीज पे राइड कर रहे हैं, वहाँ खड़ी है दोनों, एक है एंटॉर्क 125 और दूसरी है एक्टिवा 125 BS6। एंड अभी हम लोग देहरादून से जस्ट 30 किलोमीटर दूर है और हम रुके हैं एक गन्ने के जूस के ब्रेक के लिए, क्योंकि सुबह से नॉनस्टॉप चल रहे हैं, लेट भी हो गए थे मेरी वजह से, बट कोई बात नहीं चलता रहता, अब गर्मी लग रही है, सुबह से जैकेट पहननी थी ठंड की वजह से। और ये लड़का सही काले दिख रहा हो, और आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अभी कुछ शब्द नहीं है। ये चौकआउट का आ गया ऐसी, ठीक है, मूवी तो है इसमें। सूर्य ओनली 52 किलोमीटर, देहरादून 18 किलोमीटर और हम लोग पहुंचने वाले हैं देहरादून। और काफी अच्छा सफर रहा हमारा देहरादून तक का अभी तक तो, और रोड्स यार बहुत प्यारी हो गई हैं पहले से सीरियसली, और देख लो ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, बस हरिद्वार से निकलते वक्त ट्रैफिक मिला था, देन उसके बाद तो कोई ट्रैफिक ही नहीं मिला। एंड यस हो क्या रोड्स है भाई, गजब मजा सा आ गया। तो सामने का नजारा देखो यार, हाईवे ऊपर जो जा रहा है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा, लिटरली
इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है रोड। सो मिलते हैं आपको जल्दी अपडेट के साथ। फिलहाल मजा आ रहा है, सफर एंजॉय कीजिए। बट अब ठंडी हवा और गर्म धूप का मिक्सअप चल रहा है यहाँ, और प्यारे प्यारे नज़ारे। ओए होए 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 होए, क्या देख लिया ये गाइस, बहुत दिल से याद आ रहे हो क्या? ठंडी हवा लग रही है, ओए होए। अब आया है मज़ा मौसम में, मैं तो टेंशन में आ गया था थोड़ा सा यार गर्मी की वजह से, बट सही है, अब सुकून, बहुत सुकून मिल रहा है। मिलते हैं आगे आपसे बहुत जल्दी, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, तो मज़े लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं सीधा। मैं सोच रहा हूँ पहुँच के मिलते हैं, बिकॉज अब सेम रास्ता आएगा वही गोल 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 पहाड़ी। सो लेट्स सी। जी सर, 200 रुपये दोनों के? गाइस, इस बंदे पर भरोसा मत करना। इतना मैंने कहा मैंने स्कूटी उठा लूँ कि नहीं है, 2 कदम 2 कदम 2 कदम करके भाई कम से कम 200 कदम, क्या 2000 कदम चलवा दिए, ये कुछ भी समझ लो। और इतना घुमा दिया पैर दुखा, और वापस भी जाना है होटल। हालत ख़राब हो गई मेरी, आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको। और खाने के लिए मतलब खाना पसंद ही नहीं आ रहा कहीं का, मतलब अलग अलग जगह खाना ढूंढ रहा है, अलग ही लेवल है इनका भी वैसा। तो चलते हैं अभी कुछ देखते हैं खाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम मसूरी, एंड अभी जो है मैं अपनी खिड़की के खड़ा होकर बहुत प्यारे नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। यही इसी नज़ारे के लिए मैं यहाँ आया था, एंड वी आर एंजॉयड अ लॉट। और कैमरा फोकस ले रहा है। सो अब मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है हमें फिलहाल। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:30, हम लोग बस फ्रेश हुए हैं, देन अभी हमें जो है निकलना है। ये पता नहीं कि कहाँ के लिए निकलना है, अभी डिसाइड नहीं किया हुआ, तो अभी सोच रहे हैं कि घर जाएंगे या कहीं और एक्सटेंड करते हैं वन डे। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड सो गाइस, फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम होटल, और यहाँ अपनी स्कूटी है, बैग्स आ गए हैं, तो अभी जल्दी से निकलते हैं, लेट हो गए बहुत ज़्यादा, 11:30 बज चुके हैं। होटल बहुत अच्छा था, मैं आपको बता देता हूँ, होटल वुड व्यू, बेस्ट होटल लगा मुझे अब तक का जो मसूरी में। नॉल्टी और सैफ लिया है अभी सुबह से, अब लिया है ब्रेकफास्ट ब्रेक होटल से, थोड़ा सा खा के निकल गए थे। ब्रेकफास्ट ब्रेक मतलब जबान भी चल रही है पहाड़ों पर आके, होटल से थोड़ा सा खा के निकले थे हम लोग, देन उसके बाद अब ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है। और ब्रेकफास्ट कितने बजे हो रहा है? लंच टाइम पे। अभी हमने पराठा चाय ऑर्डर किया है, वो खाएंगे, और स्कूटीज यहाँ पार्क है अपनी। सो अभी हम जा रहे हैं चंबा, चंबा अराउंड है 22-23 किलोमीटर, और उसके बाद है टिहरी धाम, वहाँ जाना है। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको फिलहाल 2:10।
टिहरी डैम। और भाई साहब अब तक का जो सफर की मेहनत थी ना, इस नज़ारों को देखने के बाद सारी वसूल हो गई। मतलब इतना अल्टीमेट व्यू है ना। और अभी हम नीचे नहीं गए बोटिंग वाले एरिया में, वहाँ भी जाना है अभी। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा सीन है यार। तो नीचे चलते हैं फिर देखते हैं। और हम आ गए हैं बोटिंग करने। यहाँ पीछे बोट्स हैं और अभी जाएंगे बोट्स में, फिर दिखा। गाइस फाइनली वी आर ऑन द बोट और ये देखा नज़ारा, पैसा वसूल नज़ारा है, बहुत ही मज़ा। और सनसेट हो चुका है और हमें निकलना है जल्दी। अभी हमें यहाँ से देहरादून के लगेंगे अराउंड 3.5 या 4 घंटे और घर जाएंगे तो 6 घंटे, तो लेट नाइट हो जाएगा ज़्यादा। बस आ गया लास्ट वाली, कौन सी थी पता नहीं हम चारों नगर ही भाई साहब, लेकिन मज़ा आ गया एकदम मस्त। पैसे वसूल राइड थी, शुरू में तो बोर हो गए थे आधा घंटे हम, बट ये 2-3 मिनट की राइड में ना मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। पैसा वसूल बिल्कुल जो भी थी, लेकिन मज़ा आ गया। स्पोर्ट थी सॉरी जो भी थी। और हम फिलहाल बहुत लेट चुके हैं, घर के लिए भागना है। जैसे देहरादून पहुँचना है, टाइम हो रहा है 6 बजे।